खुशी एंड ऑफिशियली वेलकम टू वन वर्ड न्यूज़ फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन जो आज हम करने वाले हैं. थैंक यू. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के बारे में बात करें, सबसे पहले खुशी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हम सब बहुत बात करते हैं इसके बारे में, सो आपको क्या लगता है कि व्हेन इट कम्स टू किड्स, तो किस एज में यू शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट विद देम, यू नो, यू शुड स्टार्ट डिस्कसिंग, उसको एक्चुअली इस टॉपिक से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए. तो पहली बात तो ये कि बच्चों के केस में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यू शुड बी वेरी पेशेंट एंड यू शुड रेज देम इन सर्टेन वे जहाँ पे दे नो देयर सेंस ऑफ यू नो विजिबिलिटी, दे हैव देयर सेंस ऑफ वॉइस. बट हाँ, वेरी अर्ली इज नॉट रिकमेंडेड कि आप उनको इंट्रोड्यूस कराओ, बट व्हेन दे रीच देयर टीन्स दैट इज आइडियली द बेस्ट टाइम जब आप उनसे बात कर सकते हो कि यू नो मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है एंड वाई शुड यू बी एबल टू फ्री एंड आप उसके बारे में क्यों बात कर सकते हो. बट दैट बीइंग सेड द फाउंडेशन शुड बी लेड इन द अर्ली चाइल्डहुड, लाइक दे शुड नो अबाउट इट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड एज इटसेल्फ, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. जैसे आपने कहा कि शुरुआत से करना चाहिए और जब भी बच्चे छोटे हैं तब से करना चाहिए, डू यू फील कि एज अ पेरेंट्स पेरेंट भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने बच्चे को ये बताएं कि व्हाट इज द फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड कंप्लीटनेस, कि अगर आप बाहर देख के इम्पैक्ट नहीं हो रहा है एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी फ्रॉम इनसाइड नॉट फ्रॉम आउटसाइड, और आपके लिए बाहर की चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए, वो कितना ज़रूरी है एज अ पेरेंट हम सभी को समझाना, स्पेशली एट अ टाइम जब अभी बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. इंडियन सोसाइटी में ना अराउंड द वर्ल्ड पेरेंट्स का एक नोशन है, राइट? सो द नोशन इज कि हम पेरेंट्स को एक मिथोलॉजिकल क्रीचर बना दिया है हु आर सपोज टू बी वेरी गॉडली एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड राइट. वो हमारी एक ही चीज़ है कि हमारा कोई एजेंडा नहीं हो सकता हम बच्चे जब रेज कर रहे हैं उसमें, विच इज़ नॉट ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेज. तो क्या होता है कि जब आप पेरेंट बनते हो या व्हेन यू डिसाइड टू बिकम अ पेरेंट, देयर वाज अ सर्वे डन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो पीपल ऑल द पेरेंट्स वर आस्क्ड व्हाई डिड यू बिकम अ पेरेंट. सो मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर लाइक कि आई हैव सो मच लव टू गिव, सो आई वांट टू हैव अ चाइल्ड एंड उसको ये सारा प्यार मैं देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ, या आई हैड अ क्रैपी चाइल्डहुड एंड आई वॉन्ट माई बेबी टू हैव अ गुड चाइल्डहुड, या यू नो आई वॉन्टेड माई फैमिली टू बी कम्प्लीट. And a lot of those reasons ki I wanted kyunki you know society ka pressure tha and many such things. But if you notice the pattern, one thing is very common, that is the I, right? So parents are always in denial and they don't like to agree ki hum bacche hamare reasons ki wajah se karte hain. Bachcha to abhi paida bhi nahi hua hai, like that poor soul is not even into the world, right? So when two adults decide or the families decide in India that they should have a child, it's for their own personal selfish reasons and their own sense of incompleteness. Ab ye bahut harsh lagega sunne mein, but it is the harsh reality. Even I was in the same dilemma, you know, same denial, but that is true until very recently. Hum bacche apne reasons ki wajah se karte hain. बट देन अलॉन्ग द वे हम ये सोचते हैं क्योंकि हमने उनके लिए इतना सैक्रिफाइस किया है या उनको अपने अंदर आई हैव केप्ट देम विद इन मी फॉर 9 months या वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम, तो वो हमें ओ करते हैं एंड दे शुड बी ओबीडियंट, दे शुड लिसन टू अस. और जब बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो वी पनिश देम, वी स्कोल देम, हम उन्हें कबर्ड्स में बंद कर देते हैं, वी बीट देम अप, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ पेरेंटिंग. तो सबसे पहले तो वी हैव टू बिकम कॉन्शियस एंड वी हैव टू बिकम कॉन्शियस पेरेंट्स. हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चों के साथ जो पेरेंटिंग करनी है उसमें हमारा खुद का भी एजेंडा होता है, हमारी अनफुलफिल्ड विशेज होती हैं जो हम बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं. फॉर इंस्टेंस, बच्चे को पियानो बजाना है तो प्लीज़ बजा लो, बिकॉज यू नो मैं नहीं बजा पाई या मुझे मन था या मैं नहीं कर पाई मेरे बचपन में, आई कुडंट डू. या आप इंजीनियर बन जाओ बिकॉज मुझे बनना था, या सोसाइटी कहती है बगल वाली आंटी का बेटा इंजीनियर है, अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. तो हम सीक्रेटली वो एजेंडा बच्चों की लाइफ में स्लिप करते जाते हैं और वो क्या होता है ना, दैट कॉजेज किड्स टू लूज देयर ओन सेंस ऑफ सेल्फ एंड यू नो देयर ओन ट्रू आइडेंटिटी एंड देयर ट्रू वॉइस. हाँ, क्योंकि बच्चों की एक ये इनेट क्वालिटी होती है कि दे वॉन्ट टू बी वैलिडेटेड, एक्सेप्टेड अनकंडीशनली बाय देयर पेरेंट्स.
और बाय इस दे चीज को अदर। पूरा करने के लिए वो कुछ भी करते हैं, तो मोस्टली वो पेरेंट्स की बातें सुनते हैं और पूरी करते जाते हैं, और वो खुद की आवाज़, खुद की चीज़ें खो जाते हैं जब वो घर में अपनी। हाँ इधर से आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज़ आई थिंक कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स से वैलिडेशन चाहते हैं और वही चीजें करते हैं जो उनके पेरेंट्स को खुशी देते हैं, तो डज इट इफेक्ट देयर मेंटल वेलबीइंग, डज इट इफेक्ट देयर मेंटल वेलबीइंग? डेफिनेटली, क्योंकि जब उन्हें घर में सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ ट्रू आइडेंटिटी नहीं मिलता, तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ यू नो साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इश्यूज इन किड्स। बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, घर में अगर वो चीज़ें नहीं कर पा रहे तो वो बाहर जाके वो चीज़ें करते हैं, और ये राइट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? और स्पेशली इन द इनिशियल 7 to 8 ईयर्स, बच्चों का जब पूरा बिहेवियरल साइकिल फॉर्म हो रहा होता है, उनके सबकॉन्शियस बिलीव्स और पैटर्न्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें करेक्टली पेरेंट करें। और पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये एक्सेप्ट करना कि यू नो हाँ हमारे हिडन एजेंडाज हैं, बिकॉज जैसे ही हम ये बोलेंगे तो वी विल बी लाइक सोसाइटी हमें विलन के जैसे देखेगी, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जनरेशन से चला आ रहा है, हमारे मम्मा पापा ने ऐसा किया बिकॉज उनके मम्मा पापा ने ऐसा किया, बिकॉज उनके मम्मा और आई पापा ने गेस ऐसा किया। लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब उस तरह का अवेयरनेस टॉपिक करना बहुत मुश्किल होता यस है स्पेशली फॉर पेरेंट्स। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कॉन्शियस पेरेंटिंग करनी है तो आप पहले अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करो एंड अंडरस्टैंड दैट दे डिड द बेस्ट दे कुड, क्योंकि उस टाइम पे जो भी उनके पास चीज़ें थी, दे हर पेरेंट अपने बच्चों को अनकंडीशनली प्यार करता है, दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, पर कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उससे दूर हो या उसे प्यार ना करे, पर हमें कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस होती है जिस वजह से वो करेक्टली पेरेंट नहीं कर पाते, तो दैट इज रॉन्ग इन द पास्ट। उसके लिए यू हैव टू फर्स्ट फॉरगिव योर पेरेंट्स, ओन पेरेंट्स, और फिर अपने बच्चों को। आप जैसे ही आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आप बच्चे को ये बोल रहे हो कि साइंस ले लो, कॉमर्स मत लो, या इस लड़के से शादी कर लो, इस लड़की से शादी कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका खुद का बिलीफ सिस्टम है वहाँ पे, बच्चे का नहीं है, वो आपका बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि मे बी किसी ने बोला था कि यू नो साइंस इज ज़्यादा बेटर देन कॉमर्स, कॉमर्स वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक देयर आर सो मेनी नोशंस इन द सोसाइटी, लाइक सो मेनी नॉर्म। एंड इनकी चाची की मामी की दादी ने बोला कि वो लड़का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे खानदान का है, वो लड़की बहुत सुंदर है, एक्स वाई जेड रीजंस, पर बच्चों के वो हम वो फ्रीडम नहीं देते बात करने का। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों की मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है, जब घर में बहुत सारे लोग हैं, कोई बड़ा बात करता है तो हम ये बोलते हैं कि बच्चे हो चुप रहो, अपनी ओपिनियन मत दो, हम भले ही बच्चे को पता है सीक्रेटली कि बच्चा करेक्ट है, दैट यू नो आई एम वेरी मच ट्रू एंड आई नो वॉट इज़ द लेटेस्ट थिंग, या आई नो दैट दिस इज़ नॉट राइट, बट ही इज़ नॉट अलाउड टू स्पीक, क्योंकि पापा या दादा या बाबा कोई भी बात कर रहे हैं और वो बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनकी बात सुनिए और रिटेलिएट या रिस्पॉन्ड मत कीजिए, पर वो बच्चे की खुद की वॉइस तो दब रही है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि विद्रोही बन जाओ और सबके अगेंस्ट चले जाओ, नहीं, बट दे शुड बी गिवन द चांस टू स्पीक फ्रीली एंड सामने वाले को अंडरस्टैंड करना ही ज़रूरी है। नाउ अब पुरानी जनरेशन में तो ये डिफिकल्ट था क्योंकि वैसे ही हम माइंडसेट से बड़े होंगे, लेकिन एटलीस्ट अब वी हैव द राइट चांस टू यू नो पेरेंट इन अ डिफरेंट वे, इन अ मोर फ्रीली एंड फ्लोई वे। और जैसे ही पेरेंट अपने बच्चे से फुली कनेक्ट करता है, स्पेशली इन द टीनेज, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस टॉप नॉच हो जाता है, लाइक उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छा बूस्ट करता है, एंड अंडरस्टैंड के लिए क्या सही है क्या गलत है, एंड दे एक्चुअली उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि उनको वही करना है जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको उस तरह की लिबर्टी दी है, तो वो फिर अपने लिए चूज कर पाते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि उनके जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं या जो भी एक्शंस हैं वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। आई कम्प्लीटली बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर बोला खुशी। इसी से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने कहा कि छोटे बच्चे हैं तो आपने स्टार्टिंग से उन्हें बोलने का मौका दिया या उनको अपनी बात उनसे कनेक्ट किया, बट इट कम्स टू टीनेज बहुत सारे अलग इश्यूज जो है वो उठ के आ जाते हैं, एज अ पेरेंट भी और बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट होता है, तो कई बार लुक्स को लेके इशू है, कई बार वेट को लेके इशू है, लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट माय टीनेज तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी और नाउ आई रियलाइज किया मैंने क्यों फालतू उनको भी परेशान किया कि मुझे ब्रेसेस लगाने हैं, आई विल लुक गुड बिकॉज लुक्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं, तो उस टाइम पे यू नो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ किड्स
फॉल प्रेन टू दिस मेंटल हेल्थ का इश्यूज, लेकिन हमारे सोसाइटी में उसे कोई मानता नहीं, अरे कैसी बातें कर रहे, कुछ नहीं होता. सो हाउ टू अप्रोच दैट थिंग्स एंड हाउ टू टॉक अबाउट ऑल दीज मैटर्स अपने टीनेज बच्चों के साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीनेज जब आता है तो देर आर अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल हॉर्मोनल कॉग्निटिव चेंजेस जो बच्चों में टेक प्लेस करते हैं. एंड लाइक बच्चों के अंदर इतने सारे इमोशंस और फीलिंग्स एक साथ आ रहे होते हैं कि दे फील वेरी कंफ्यूज एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. चाहे लड़की हो या लड़का, लाइक व्हेन दे आर इनटू टीनेज, लाइक इवन आई रिमेम्बर हम बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बहुत इरेशनल हो जाते हैं. वी वॉन्ट टू टेक रिस्क, वी वॉन्ट ट्राई थिंग्स एंड वी फील कि हम कहीं फिट नहीं होते. क्योंकि बड़ों के साथ बात करो तो बोलते हैं तुम चुप हो, अभी तुम बच्चे हो, तुम अपनी ओपिनियन मत दो या यू आर नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन. लेकिन जब हम छोटों के साथ जाते हैं बैठने के लिए तो वो काफ़ी छोटे होते हैं, वो प्रॉबेबली घर घर खेल रहे हैं या टीचर टीचर खेल रहे हैं, वी डोंट फिट इन देयर एज वेल. तो हम एकदम ये ऑड बकेट में आ जाते हैं जहाँ अभी फील कि हमें कोई समझ ही नहीं रहा है एंड द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट अस, राइट. और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए. लाइक इस फेज में जब उनके अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, हॉर्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, जब वो जब लड़कियों को जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, लड़कों के लिए प्यूबर्टी के जब हिट होती है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एज वेल. तो बायोलॉजिकल तो है ही, बट उसके साथ और भी चेंजेस आते हैं. और तब पेरेंट्स हमेशा, या तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा खुद समझ जाएगा, या तो पेरेंट्स सोचते हैं अरे हम भी तो ऐसे बड़े हुए थे, क्या जरूरत है, मतलब इट्स नॉट रियली नीडेड. और वो बिहेवियर जो होता है वो बर्स्ट आउट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में. तो या तो बच्चा एक्सट्रीम रिस्क गाड़ी 120-130 की स्पीड पर चला रहा है बिकॉज ही वांट्स टू लेट गो ऑफ दैट एनर्जी. वो पूरी एनर्जी उसके सिस्टम में बिल्ड हो रही है. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे से आप बात कीजिए. बहुत सारे बच्चे क्या होता है इस एज में, अगर स्पेशली बच्चे घर में या छोटे से भी अगर बच्चे घर में देख रहे हैं कि माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं या बहुत टेंशन है या घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर में फिनेंशियल क्राइसिस है, तो उनकी थिंकिंग वैसे मोल्ड होती जाती है. तो अगर घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं तो वो या तो दो आउटकम होगा, या तो आपका बेटा बेटी ये डिसाइड करेगा कि मैं अपने पार्टनर से कभी ऐसे बिहेव नहीं करूंगा या करूंगी बिकॉज दिस इज रॉन्ग, हाँ, या वो ही मोल्ड कर लेगा. अब टीनेज में वो ट्रोलिंग स्टार्ट करेगा, वो लोगों को अब्यूज करना स्टार्ट करेगा क्योंकि स्क्रीन के पीछे बैठ के किसी को कुछ भी बोलना बहुत ईजी है, राइट. तो बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे या 20s के लोग, हम लोगों की जनरेशन के भी लोग जो हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकालते हैं जो कि हार्मफुल चीज़ें हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी गलत है. और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि वो मेरा बच्चा किस आईडी से क्या कर रहा है, बाहर जाके किसको ट्रोल कर रहा है या खुद क्या किस एक्टिविटी में एंगेज हो रहा है, वो सही है या गलत है. A lot of times when they come to know about it, उनको पता भी नहीं होता है या वो विश्वास भी नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया. हाँ, क्योंकि उनके सामने तो उनका बच्चा बिल्कुल आइडियल बच्चा है और वो उसके ऊपर अपनी पूरी डोमिनेंस रखते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उसे जन्म दिया है और उसे बड़ा किया है. तो उनका ये बर्थ राइट है कि बच्चे को वो डोमिनेट कर सकते हैं और उसकी लाइफ अपने हिसाब से नेविगेट कर सकते हैं. पर बच्चा जैसे जैसे टीनेज में आता है और बड़ा होता है तो बच्चे को बहुत कुछ समझ में आता है और उसको सेंस ऑफ ये फ्रीडम मिलता है, उसको समझ में आता है कि वो खुद से डिसीजन ले सकता है, कहीं दूसरों को देख के या कहीं खुद पढ़ के चीज़ें समझ के. और तब वो बच्चा फिर और ज़्यादा रिटेलिएट करने लगता है और फिर वो दो आइडेंटिटीज सी बन जाती है बच्चे की, एक जो उसके माँ बाप के सामने है और एक जो बाहर है सोसाइटी में है, जो मतलब बहुत ही अलग सी है, जो लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में. और तब जब वो कोलाइड होती हैं तो बहुत ही ड्रामा होता है घर में बिकॉज पेरेंट्स को पता ही नहीं कि बच्चा क्या क्या कर रहा है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स पहले तो ये समझें कि आपको कितना इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चे से बात करना एंड टू बी फ्री अबाउट इट. मतलब अगर आप चाहते हो कि बच्चा ड्रिंक ना करे तो आप उसको सीधे बार बार ये बोलोगे कि ड्रिंक मत करो, ड्रिंक करना गलत है, तो बच्चा मतलब डेफिनेटली करेगा. लेकिन अगर आप उसको बैठ के ये समझाओगे, अगर उसको कभी ट्राई करने का मन है तो आप एक बार उसको अपने सामने बैठ के ट्राई कराओ और समझाओ उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो शायद बच्चा आपका 4 बजे बाहर जाके किसी और के साथ ड्रिंक करके नहीं आए क्योंकि उसे पता है कि वो अपने पेरेंट्स से फ्रीली बात कर सकता है या एक्सप्रेस कर सकता है, या उसे कोई गलत आदत लग गई अगर वो स्मोक कर रहा है पर से या कोई और इंगेजमेंट है उसकी किसी अनवांटेड एक्टिविटी में, तो वो आपसे शेयर कर पाएगा क्योंकि उसको पता है कि शेयर करने के बाद आप उसे झाड़ू से यू नो
पीटोगे नहीं, बिकॉज मुझे याद है, ट्रस्ट मी, आप टीनेज की बात कर रहे हो ना, तो जिस बिल्डिंग में मैं बहुत छोटी थी जब रहती थी, तो वहाँ पे उस बिल्डिंग में सब हम कुछ 10 फैमिलीज थे, एंड एक्सेप्ट माई फैमिली एंड वन अदर फैमिली, बाकी जितने बच्चे थे सब ऑलमोस्ट मुझसे एक दो साथ बड़े थे, उनके मम्मी पापा लाइक दे वर लिटरली चप्पल से मार देते हैं बच्चों को, एंड अभी सोचती हूँ ना, आई एम सो शॉक, कैसे कैसे कर सकते हो आप? आप हाँ. सिर्फ इसलिए मार दे रहे हो क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसके टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं, विच इज लाइक सो रॉन्ग. जैसे खुशी आपने पहले भी कहा, देन आई रियली वांट टू टेल यू कि आई थिंक ये पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी मेंटल अवेयरनेस के बारे में कभी बात नहीं करती थी. हो सकता है हमारी मम्मी या हमारे पापा को उनके पेरेंट्स ने किसी बात के लिए कुछ बोला हो जिस टाइम पे वो भी बोलना चाहते हो, या फिर वो खुली अवेयर रहे हो पर उनको नहीं बोलने दिया गया. सो देन सोसाइटी में लैक ऑफ अवेयरनेस है, एंड आई एम ग्लैड कि अभी जो है वो चीजें हैं, जो डायलॉग्स हैं वो छिड़ गए हैं, एंड यू नो पीपल लाइक हु आर न्यू एज पेरेंट्स एटलीस्ट दे अंडरस्टैंडिंग कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं इससे पहले कि मैं ये सेशन रैप अप करूं, आई रियली वांट टू पुट आउट वन थिंग जो मैंने आपसे बोला भी था व्हेन वी वर डिस्कसिंग, कि ये जो वैलिडेशन है, यू नो सोशल मीडिया का वैलिडेशन, आउटर वर्ल्ड का वैलिडेशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीनेज और टीनेजर्स के ऊपर आता है, और वो लुक्स के ऊपर हो गया, यू नो, या फिर सोशल स्टेटस के ऊपर हो गया, ये कितना इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ को, और कितना जरूरी है एज अ सोसाइटी एज अ होल कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें और बार बार ये चीज प्रीच करें कि इंटरनल हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है, नॉट दी दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स. तो आई स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल, जो कि रिसेंटली मेरी, आई हैड अ क्लाइंट, तो आई टेक लाइक सेशंस, राइट? सो आई वॉज कोचिंग हर, शी वॉन्टेड टू गेट ऑन अ डिस्कवरी कॉल, एंड वो रो रही थी कॉल पे, बिकॉज हर प्रॉब्लम वॉज कि शी वॉज नॉट गेटिंग लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड शी वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद हर फ्रेंड्स, एंड शी वॉज वेरी, शी वॉज फीलिंग दैट कि वो, शी लुक्स अ सर्टन वे, पीपल डोंट लाइक हर फॉर हु शी इज, शी कैन नॉट कनेक्ट विद पीपल, and she cannot go on Facebook and put a picture, and that was her concern, and it took me so much by, you know, surprise ki this is what everyone is going through, especially young age mein bachchon ka like validation is cheez pe hota hai ki are pata hai kya maine picture dali thi, mujhe 100 likes aaye, mujhe itne wo aaye, so this is how people are validated. ab agar aap business mein ho to samajh mein aata hai ko kitna engagement mil raha hai social media pe, but as a kid it's so serious, right? And the entire moment when you know duration jab wo mujhse baat kar rahi thi, her gestures were so easy to read, she was so underconfident, uske andar self love, self esteem, self worth kuch bhi nahi tha, but wo usko samajh mein nahi aayega, because it's duty of us as a society to give that environment, and parents, kyunki hame ठीक है अभी हमारे पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन अभी हमारे जनरेशन के पेरेंट्स को एटलीस्ट चीज़ समझनी चाहिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके चाइल्ड को सेल्फ, यू नो, अवेयरनेस हो कि वो जैसा है, जैसी है, वो अच्छा है, या पर्सनल ग्रोथ, बच्चों को पर्सनल ग्रोथ में डालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये समझाना, पहली बात तो ब्यूटी या टू लुक अ सर्टेन वे इज नॉट इन अवर हैंड्स. ट्रस्ट मी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे भी ऐसा लगता था कि आई डोंट लुक प्रिटी, क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है कि स्कूल में बहुत सारे तरह तरह की लड़कियां होती हैं जो अलग अलग तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं, अगर आप सिंपल हो तो आप वो कॉम्प्लेक्स फील करते हो, बट इट डिडंट सेटल इन मी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने वो मेड मी फील दैट वे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ समझाएं और ये चीज फील कराएं कि आपके लिए पर्सनल ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट है. आप जेनेटिक्स है, राइट? आप जैसे दिख रहे हो या आपके मम्मा पापा के जीन्स हैं, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू एज अ पर्सन, नथिंग एट ऑल. और उसके बाद से आपके ऊपर जो सोशल मीडिया का प्रेजेंट, यू नो, परफेक्ट पिक्चर एक वो है, डिलेमा है, वो सबसे बाहर निकलने के लिए पहले तो बच्चों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि और हैबिट्स इनकलकेट की जाए. दिन भर वो बैठ के सोशल मीडिया पे रहेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू एनीथिंग. तो अगर उनकी 4-5 हैबिट्स हैं जो कि प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, तो इट विल हेल्प देम कम आउट ऑफ दिस थिंग. तो अगर आप पर्सनल ग्रोथ में जाते हो तो यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, क्योंकि हम हमेशा हैप्पीनेस को ऐसे व्यू करते हैं कि अच्छा, व्हेन आई गेट अ कॉलेज डिग्री आई विल बी हैप्पी, व्हेन आई गेट अ जॉब आई विल बी हैप्पी, व्हेन आई गेट अ होम आई विल बी हैप्पी, या मे बी व्हेन आई गेट 50 लाख वाला पैकेज देन आई विल बी हैप्पी, व्हेन आई यू नो गेट मैरिड देन आई,
What about now? What about happiness in now? तो पहले I'm not saying don't have dreams, but be happy in the now and then have vision. It's very important. Right, you know, you have very well, you have put it up that you know it is very important to understand and enjoy the process. जब वो चीज होगी तब तो आप happy होंगे ही होंगे, पर उस दरमियान जब तक आप उस वहाँ पे पहुँच रहे हैं जो प्रोसेस है वो भी इंजॉय करना बहुत जरूरी है. और बीच में आपने एक इतनी अच्छी बात बोली है, बट इसी के साथ मैं सेशन क्लोज करूंगी कि पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि खुशी ने कहा. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड ऑन हियर कि पर्सनल ग्रोथ भी अलग अलग पेस पे होती है अलग अलग लोगों की. सो माइट बी आपका एक फ्रेंड जो इस समय 50 लाख का पैकेज ले रहा है और आप 35 लाख का पैकेज ले रहे हैं, बट माइट भी वो किसी और चीज में कुछ अच्छा कर रहा है और आप किसी और चीज में अच्छे कर रहे हैं. एंड एवरीबडी हैज अ ग्रोथ का पेस, तो हमें उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा. आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ को चेक में रखने के लिए. थैंक यू सो मच खुशी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस इम्पोर्टेंट हमारे साथ बात की. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू, बाय बाय.